रिजल्ट आ रहे हैं, एग्जाम्स करा दिए गए हैं। अब 31,000 थर्ड ग्रेड के L1 और L2 के टीचर्स की लिए रीट जो जरूरी होता है, वो रीट की एग्जाम हम लोग 25 अप्रैल को करा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है, इसके लिए जो नियम में संशोधन करना था वो कर लिया गया है। जो हमको थोड़ी बहुत रिलीफ जिन वर्गों को देनी थी, पिछड़े हुए लोगों को, विकलांगों को, शहरी आजादी के लोगों को और जो विधवाओं को, परिचर्ताओं को, वो हमने दी है। और उसके साथ साथ एक पैटर्न चेंज किया है कि जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें रीट के 90% और 10% जो उनके ग्रेजुएशन आदि के जो मार्क्स होंगे उनके आधार पे होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो प्रक्रिया है ये करते करते कोरोना के कारण से कुछ लेट हुए हैं, लेकिन अब इंतजार खत्म हो गया, हम परीक्षा करवा रहे हैं। और इसमें हम जो NCT का सिलेबस है उसके साथ साथ थोड़ा बहुत राजस्थान का कंपोनेंट भी डालना चाहते हैं, जिससे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में जो टीचर आए उसको ज्ञान हो और वो हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान के बारे में बता सके। तो जो पहले का थोड़ा बहुत पैटर्न है उसमें हमने राजस्थान कंपोनेंट को और ज़्यादा ऐड करने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। जो सिलेबस तैयार होगा उसमें ये चीज ये है। और जो रिलैक्सेशन दिए हैं वो रिलैक्सेशन सक्षम स्तर पर अनुमोदित करके कर दिए गए हैं और 25 अप्रैल को हम लोग नीट की एग्जाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाएगा। सर आपने कहा कि राजस्थान